जयपुर में बसंत पंचमी के मौके पर आज कला मंजर संस्थान की ओर से बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री तिलक गिताई, आकाशवाणी कार्यक्रम अधिकारी रेशमा खान सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। संस्था की महासचिव मीनाक्षी माथुर ने बताया, कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। इस उत्सव में हमने ग्रामीण अंचल के उन कलाकारों को आमंत्रित किया है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। इनमें विकलांग कलाकार भी हैं। सरस्वती जी का अगर आशीर्वाद इन कलाकारों को मिल जाए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इनका भविष्य बने, इन्हें आगे और मंच मिले। ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि ये ऐसे ग्रामीण और ऐसे कलाकारों को मंच प्रदान करता है जिनको प्रोत्साहन मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे खेतों में भी जो पीली पीली सरसों और ये सब जो है खिली रहती हैं, फूली रहती हैं, सूरजमुखी के फूल हैं, तो ये सब शांति का मैसेज देते हैं। और मैं चाहता हूँ ये राष्ट्र बहुत समृद्ध बने, यहाँ शांति स्थापित हो, क्योंकि ये बुद्ध और महावीर का देश है। हमें अहिंसा को ही अपनाना चाहिए, हिंसा को नहीं। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। बसंत पंचमी हमेशा उल्लास का प्रतीक है और न जाने क्या है इस मौसम में कि बच्चे बड़े बूढ़े सब प्रफुल्लित रहते हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। और तभी शायद कला मंजर सोसाइटी ने सोचा कि कुछ ऐसा कला को पंख दिए जाएं जिससे कि बसंत खिल खिल जाए और प्यारे प्यारे बच्चों को एक अवसर मिलेगा आज अपनी कला को प्रदर्शित करने का। कला से सुंदर कोई चीज़ मन को प्रभावित करने वाली होती नहीं है, तो मैं समझता हूँ ऐसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो होने चाहिए।